Assalamualaikum. This is me, Iman, and welcome back to my channel. Welcome to one more video. अच्छा आज की वीडियो जो है दैट्स गोना बी लाइक फॉर दोज बिकॉज मुझे बहुत से दिनों से बहुत सी क्यूरीज आ रही थी उन स्टूडेंट्स की हु आर अप्लाइंग फॉर कोवेंट्री यूनिवर्सिटी और उसमें वो स्टूडेंट्स भी हैं जो कोवेंट्री कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हैं कुछ कार्पो के लिए कर रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटी के लाइक लंदन कैंपस के लिए कर रहे हैं तो मतलब मल्टीपल कैंपसेस हैं बट दे आर लाइक आस्किंग मी अबाउट के क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू कैसे होता है और क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के लाइक क्या टर्म्स हैं और वो सब तो सबसे पहले तो इस वीडियो में आज मैं बताऊंगी कि व्हाट इज़ द रिकॉर्डेड इंटरव्यू ठीक है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ज़्यादातर कोर्सेज के जैसे कि बीए के हो गए कोर्सेज बीएससी के कोर्सेज हो गए एमए एमएससी के भी कुछ कोर्सेज हैं जिनके लिए वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू लेते हैं सबसे पहले तो रिकॉर्डेड इंटरव्यू क्या होता है ठीक है यूनिवर्सिटी जब हम यूनिवर्सिटी से लाइक ऑफर लेटर रिसीव करते हैं सबसे पहले कंडीशनल आता है अनकंडीशनल और अनकंडीशनल के बाद जब हम फर्स्ट इनिशियल डिपॉजिट कराते हैं दैट इज़ अराउंड 4000 तो उस 4000 के इनिशियल डिपॉजिट के बाद जब हमें यूनिवर्सिटी से एक लिंक आता है उसको हम कहते हैं कैशियर लिंक कि कैशियर लिंक जब हमारे पास आ जाता है और हम उसके बाकी सारे लाइक जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं हम उन सब पर पूरा उतर जाते हैं तो फिर वह यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मेल आती है जिसके ऊपर कैशियर का लिंक होता है और कैशियर का लिंक मतलब बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद एक ऑप्शन आता है कि अब हम अपना क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं ठीक है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू जो होता है रिकॉर्डेड वन उसके अंदर ऐसे होता है कि स्पेसिफिक 15 क्वेश्चंस होते हैं टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन में जो आंसर की ड्यूरेशन है वो 30 सेकंड से 1 मिनट या 1.5 मिनट की होती है ठीक है कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें उनको ब्रीफ आंसर्स चाहिए होते हैं तो उन्होंने हमें टाइम लिमिट 1 मिनट या 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स दी होती है और कुछ आंसर्स होते हैं जो हमने 30 सेकंड्स के अंदर अंदर पूरे करने होते हैं ठीक है सबसे पहले तो ऐसे होता है कि जब क्वेश्चन लिखा हुआ आता है जब हम लाइक एक पोर्टल जब हमारे पास इंटरव्यू अटेम्प्ट कर जब हम उस लाइक ऑप्शन पर जाते हैं दैट वी आर अप टू लाइक वी आर दैट समथिंग लाइक वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द इंटरव्यू सो फिर वहाँ पर जो है लाइक ऑप्शंस आते हैं तो हर क्वेश्चन सिर्फ 15 सेकंड्स तक स्क्रीन पर रहता है तो उस 15 सेकंड्स के अंदर अंदर हमने अपने माइंड में उस आंसर को प्रिपेयर करना होता है ठीक है इस चीज़ पर मैंने एक बहुत डिटेल्ड वीडियो बनाई है कि क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने हैं और मतलब हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैंने अपनी एक वीडियो में लाइक शेयर की हुई है मैंने प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसने देखी है वेल एंड गुड जिसने नहीं देखी उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी ठीक है उसके अलावा अच्छा सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया कि 15 क्वेश्चंस होते हैं हर क्वेश्चन की ड्यूरेशन 1 मिनट से 1 मिनट एंड 30 सेकंड्स के दरमियान होती है ठीक है उसके बाद अब जो सबसे मेन बात आती है जो मुझसे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि कौन से कोर्सेज़ हैं जिनके लिए रिकॉर्डेड इंटरव्यू है और कौन से कोर्सेज़ हैं जिनके लिए वो लाइक हमें फेस टू फेस इंटरव्यू जूम ऐप पर या टीम्स पर होता है सबसे पहले तो तकरीबन जितने भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उन सब का रिकॉर्डेड इंटरव्यू होता है उसके अलावा कुछ कोर्सेज हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनका जो है वो लाइक हो सकता है कि फ़ेस टू फेस या टीम्स पर या जूम्स पर आपका इंटरव्यू हो ठीक है उसके अलावा आपके पास इंटरव्यू के टाइम पर क्या चीज़ें होना ज़रूरी हैं जब आप अपना इंटरव्यू अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं आप देर इज़ नो वे गोइंग बैक कि आप उसमें वापस जाएं लाइक आपके पास जो है अगर अच्छा सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए ठीक है यू शुड हैव योर पासपोर्ट बिफोर स्टार्टिंग योर इंटरव्यू बिकॉज एक टाइम एक आता है कमांड के लाइक कहते हैं दैट अपना जो है पासपोर्ट अपने फेस से नेक्स्ट रखें प्लेस योर पासपोर्ट जस्ट नेक्स्ट टू योर फेस तो उस तरह से लाइक वो थोड़ी देर के लिए आपकी वो जो है वो कैप्चर हो जाती है थोड़ी सी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है ठीक है उसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो हमने याद रखनी होती है वो ये है कि हमें कॉन्फिडेंट रहना होता है बिकॉज देर इज़ नो एग्जामिनर जो हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा लाइक एक इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है इफ़ यू हैव टोटल कमांड इफ़ यू हैव टोटल लाइक आपकी पूरी प्रिपरेशन है उन क्वेश्चंस की
जो इस इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, तो देयर इज़ नो वे कि आप उस चीज़ में फेल हो. यू विल बी 110% सक्सीडेड इन द इंटरव्यू. लेकिन उस इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, दैट इज़ अ वेरी यू कैन से कि बहुत प्रैक्टिकल वे में आपने तैयारी करनी है. आपने अपने आंसर्स को बहुत ब्रीफ भी नहीं करना है और आपने उनको बहुत शॉर्ट भी नहीं रखना है. यू शुड हैव अप्रोप्रिएट, यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज, और इस तरह से आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है आपने हर आंसर में देनी है. ठीक है, उसके लिए मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि मैंने उस चीज़ की एक प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर विद एवरी क्वेश्चन और उसका एडिक्वेट आंसर जो मैंने दिया, और मैंने फर्स्ट टाइम ने अपना इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किया. आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अगर आपको वो देखनी हो तो यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल. अच्छा, उसके अलावा जब आप क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू अटैम्प्ट कर लेते हैं, सो यू हैव टू सबमिट दैट. ठीक है, आप वहाँ से सबमिट कर देंगे, और जब वो सबमिट हो जाएगा तो विद इन 2 working days जो है आपको आपके इंटरव्यू का जो है वो रिजल्ट रिसीव हो जाता है थ्रू एन ईमेल. के फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लियर कर लिया है तो गुड न्यूज़, या फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव क्लियर्ड योर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू. और अगर आप नहीं कर सके तो आप इसकी री अटैम्प्ट कर सकते हैं. बट री अटैम्प्ट के लिए आपको वेट करना पड़ता है कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से दोबारा आपके कैश शील्ड पर एक्सेस कब मिलेगी. कैश शील्ड पर परसेंटेज जो है, अगर आपको फॉर एग्जांपल आपके इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आया, तो आप अपने इंटरव्यू का रिजल्ट कैसे जान सकते हैं. वो ऐसे जान सकते हैं कि अगर आपको नहीं आया तो आप अपने कैश शील्ड की परसेंटेज पर जाते हैं. अगर वो 25 से 50 या फिर अराउंड 40-50 आ गई है, इट मीन्स कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव क्लियर्ड योर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू. अगर फिर भी आपको श्योरिटी नहीं होती है, तो यू हैव एक्सेस टू योर ई मेल ऑल द टाइम. आप कभी भी यूनिवर्सिटी को ई मेल करके या फिर उनको कॉल करके अपने रिजल्ट के बारे में पूछ सकते हैं. देर इज़ नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दैट. ठीक है, अभी मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है, और आई होप सो कि मेरी ये वीडियो आप सबके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें इस चीज़ पर इंटरव्यू, हमें इस चीज़ पर वीडियो चाहिए, हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज एट माई इंस्टाग्राम. आप मुझे जिस टाइम भी, जैसे भी, कोई भी टेक्स्ट करें, मुझे जैसे ही वक्त मिलता है, आई ऑलवेज प्रेफर टू रिस्पॉन्ड यू विद इन फ्यू आवर्स. तो बाकी जो है, इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें, और जितनी हेल्प मैं आप लोगों की कर सकूंगी, जितनी इंफॉर्मेशन मैं दे सकूंगी, आई एम हेयर टू गिव दैट, टू डिलीवर दैट टू यू. इसी तरह मुझे मेरे जो है वीडियोज़ को करते रहें, उनको शेयर करें. और इसके अलावा, इफ़ यू हैवन्ट सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब दैट, बिकॉज आप लोगों के यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, दे आर गोइंग टू मोटिवेट मी, और मैं इस चीज़ को जो है इसी तरह से कंटिन्यू रखूँगी. बाकी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड आई होप सो दैट यू गाइज अचीव वट यू आर सीकिंग फॉर. बिकॉज इस टाइम जिस सिचुएशन से आप अब गुजर रहे हैं, इस चीज़ से मैं गुजरी हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि इस वक्त आप लोगों की क्या फीलिंग्स हैं. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय.